इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, जिसमें दो आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में वांटेड दो शूटर्स को पंजाब पुलिस ने घेर लिया है। अटारी बॉर्डर के पास भकना कला गांव में शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु खोसा को घेरा गया है और कोशिश हो रही है पुलिस की तरफ से कि इनकी तरफ से सरेंडर किया जाए, लेकिन अभी तक बीते दो घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये एनकाउंटर इसी तरीके से जारी है। लेकिन बाहर जहां पर घेराबंदी की गई है, पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था और इस घेराबंदी को बढ़ाया जा रहा है लगातार, ताकि किसी भी तरह से ये यहां से निकलकर ना भाग सके और साथ ही गांव वालों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। तो अटारी बॉर्डर के पास एक घर में छिपे हैं दोनों, जहां पर इन दोनों की घेराबंदी की गई है। इस पर लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो हमें अपडेट कर रहे हैं। जोगविंद्र पटियाल हमारे साथ हैं, साथ ही मनोज वर्मा भी मेरे साथ है। जोगविंद्र जी, पहले आपके पास आऊंगी। दो घंटे हो चुके हैं इस एनकाउंटर को जारी हुए, कोई और नया अपडेट वहां से मिल रहा है? लगातार सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है और फायरिंग की भी खबर आप बता रहे थे कि फायरिंग की आवाजें भी सुनी जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अपडेट ये आया है कि जिस घर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी खड़े हैं, हथियार लेकर खड़े हैं, इस घर से आगे खेत हैं और खेतों के अंदर पंजाब में पशुओं के चारे के लिए जो है चरी उगाई जाती है, चरी के खेतों में ये लोग जो हैं घुस गए हैं और तीन पुलिस वालों को गोली लगने से जख्मी हुए हैं। तीन पुलिस वाले गोली लगने से जख्मी हैं, ये मौके से सूचना हमें दी जा रही है। और ये इस घर में नहीं, ये घर पुलिस का आखिरी पड़ाव है। इसके आगे जो खेतों में चरी के खेत हैं, चरी के खेतों में घुस गए हैं दोनों शूटर और उनको खेत के बाहरों बाहर घेरा बनाकर उनको अंदर रोकने की कोशिश की जा रही है। तीन पुलिसकर्मियों को गोली से चोट आई है और इनमें से दो एंटी टेररिस्ट एंड गैंगस्टर स्टाफ के हैं, जबकि एक जिला पुलिस का है। तीन लोगों को गोली लगने से जख्म हुए हैं अभी तक, ये ताजा जानकारी दी जा रही है। और शिरीन, जो हम कह रहे थे कि घर के एक कोने में ट्रैप हुए हैं, कोने में नहीं है, ये कोना पुलिस का पड़ाव है। यहां से आगे जो खेत है, खेत के अंदर चले गए हैं और इसीलिए पुलिस का जो है वो एनकाउंटर करने में, उनकी घेराबंदी करने में टाइम लग रहा है। हालांकि पुलिस का ये मानना है कि यहां इस ट्रैप से निकल पाना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए एहतियात बरती जा रही है। तो जगवेंद्र जी नई जानकारी दे रहे हैं, तीन पुलिस वाले जख्मी हुए हैं इस एनकाउंटर में और अब इन दोनों शूटर्स के पास के खेतों में, इस मकान के आगे खेतों में घुसे हुए हैं, वहीं पर छिपे हुए हैं और उस खेत को चारों तरफ से घेरा गया है ताकि इन्हें वहां से सीधा पकड़ा जा सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें समझ आ रही हैं, जो जानकारी वहां से मिल रही है, वो यही कि इनका सरेंडर करने का मूड तो दिखाई नहीं दे रहा है। दो घंटे से ये एनकाउंटर चल रहा है। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, मुझे ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि ये दोनों जो जगरूप रूपा और मनु, इन दोनों का इस पूरे मामले में आज पकड़ा जाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस केस से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए दोनों की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस केस में, क्योंकि दोनों अब ये बता पाएंगे कि आखिरकार और किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में ये लोग शामिल रहे, इनके अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से हथियार ये अपने पास लेकर के आए थे, क्योंकि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो हथियार थे वो इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए थे, AK-47 इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई थी, इसके अलावा ग्रेनेड भी जो थे वो आरोपियों के पास से बरामद हुए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जाँच यहाँ भी जरूरी है कि जो हथियार थे, जो सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, वो कहाँ से आए थे। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले के अंदर काफी इन्वेस्टिगेशन किया, सात आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसके अलावा पंजाब पुलिस ने काफी आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि शुरुआत में पंजाब पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे, क्योंकि एक भी आरोपी जो था इस मामले का गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर दोनों गिरफ्तार हो जाते, और पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। जिस तरीके से एनकाउंटर वहां पर चल रहा है, घर के अंदर ये लोग मौजूद थे और अब पुलिस इनको कहीं ना कहीं अपने तरीके से खदेड़ कर खेतों के बीच में ले आए, तो यानी कि एक वो पॉसिबिलिटी कि ये किसी को बंधक बना पाते, वो पॉसिबिलिटी अब खत्म हो जाती है। अब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये जरूर जरूरी रहेगा कि दोनों को जिंदा पकड़ लिया जाए घेराबंदी करके। जी देखना होगा, क्योंकि यहां अब किस तरह से खेत में ये लोग छिपे हुए हैं और चारों तरफ से घेरा बना हुआ है पुलिस का, और कोशिश यही हो रही है कि दोनों सरेंडर कर दें, दोनों को जिंदा पकड़ा जा सके। ABP News आपको रखे आगे।